निर्मल है। आप भादों के महीने में तो घनघोर घटागिरी होती है, चांदनी छिपी हुई है और सुंदर सरोवरों में कमल खिले हुए हैं। ब्राह्मण जन मंत्र बोल रहे हैं, पक्षी जन वो पेड़ों पर बैठे कलरव कर रहे हैं। अग्नेश्वर जाति नाम ऐसा सुंदर समय जान करके देव क्या मदेव रूपिण्याम तो सुदेवी श्रोता देवती ने दिशाओं ने रूप कहा। इस प्रकार से पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, वैसे देवती के यहाँ जेल खाने में भगवान का प्रारंभ होता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की वो जो बच्चा पैदा हुआ वो कैसा विलक्षण है, बोले शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला से विभूषित है। इतना बड़ा बच्चा कैसे? देवकी वसुदेव ने प्रणाम किया, उनके सारे बंधन सारी श्रृंखलाएं खुल जाती है। गेली भगवान ने दर्शन देकर आशीर्वाद दिया, कहा युवामान पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न शास्त्र दिए, तुम्हारा तीसरा जन्म है। तुम कभी श्री और सुखा नाम से हुए तो मैं तुम्हारे यहाँ कृष्ण गर्भ के नाम से जन्म लिया। दोनों कौर लिया ये बस कथा संपन्न है। और कभी तुम अदिति कश्यप हुए तो वामन के रूप में मैं आया, ये तुम्हारा तीसरा जन्म है। यहाँ पर मैं वासुदेव कृष्ण के रूप में, तो तुम हमारा ब्रह्म भाव से भी और पुत्र भाव से दोनों भाव से मेरा उपासना और स्मरण रखना तो पुत्र का वात्सल्य प्राप्त होगा और ब्रह्म भाव से संबंध बनाए रखोगे तो तुम्हारा परलोक बनेगा। ऐसा कहकर भगवान वासुदेव देवकी वसुदेव ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की, उन्होंने विनय की है, भगवान बाल रूप हो जाते हैं। देवकी ने संकेत किया कि महाराज इनको ले जाकर के कहीं की रक्षा कीजिए। ये भगवान को लेकर के जैसे चलते हैं बोले सारा नगर सोया हुआ है, पहरेदार सोए हैं, सारे बंधन खुले हुए हैं, हथकड़ी घेरी और गेट खुले हुए, सारा नगर सुसुप्त सोया है। यावत ब्रजे नंद पदनाम जैसे टोकरी में लेके भगवान को चले हैं, वैसे ही वहाँ पर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ यशोदा रानी को योग माया ने जन्म दिया। रास्ता बड़ा दुर्गम है, यमुना को पार करके गोकुल जाना है। मथुरा से नारदम ददौश पते बोले यमुना रानी यमुना महारानी ने जब प्रवेश किए तो यमुना महारानी भगवान का पाद प्रक्षालन करना चाहती पढ़ रही, परंतु भय भी है डर भी लगा है। ये कहीं इनके पिताजी को संकट समझने आवे तो भगवान नाराज होकर के वैसे ही कुलबान दे जैसे हमारे पति समुद्र में कुलबान दिए, तो भय भी खा रही है। तब तक शेष महाराज आगे मधुर मधुर बूंदे गिर रही तो सोचा भगवान पर चोट न आ जाए इसलिए छत्ता का काम किया। भगवान ने जाना कि यमुना महारानी हमारा चरण स्पर्श करना चाहती है, टोकरी से पांव लटका दिया और अपनी चरणामृत लेकर भगवान का मार्गम ददौ सिंधु निवश यह पतेर, जैसे समुद्र ने भगवान राम को रास्ता दिया था वैसे यमुना महारानी ने रास्ता दे दिया और उस पार गए। और सुतम यशोदा शयने निधाय तत्सुताम उपादाय ध्यान रहा, पुत्र को यशोदा की शैया में लिटा करके और पुत्री को लेकर के पुनः वापस आए। जैसे वापस आते हैं प्रवेश किए खाड़ी में तो से अचानक हथकड़ी हाथों में पैरों में पड़ी है। वहाँ जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो ईश्वर मुक्ति देने वाला, और जब माया का साक्षात्कार होता है तो जब माया आती है तो व्यक्ति को जीव को बंधन में डालने वाली होती है। इस प्रकार से देवी देवकी बड़ी दुखियानी है कन्या को गोदी में लिए, उस समय वह कन्या रुदन करती है रोने लगती है और उस समय पहरेदार दिखे जाकर के कंस को बताया। कंस को नींद नहीं आ रही थी, नंगी तलवार लिए दौड़ा हुआ चला आता है और देवकी की गोदी में देखा, सोचा कि आठवीं संतान है, कन्या को जब जाकर के पांव पकड़ के झटकना चाहता है लेकर के, उस समय देवकी कहती है ये भैया ये पुत्र नहीं अपितु पुत्री है, मुझ अबला गृहिणी की केवल यही एकमात्र संतान है, आप कृपा करके इसको छोड़ दो। परंतु कंस ने प्रार्थना है और मोहित सुनता, उसने भगवान
उस भगवती जगदम्बा को पकड़ करके छीन करके देवकी से लेकर पत्थर में जब पटकना चाहा, उस समय वह देवी कंस के हाथ से फिसल करके आकाश मार्ग में उपस्थित होती है और कंस से कहती है कि हे मूर्ख, तुमको मारने वाला ब्रज में, गोकुल में, नंद गांव में जन्म ले चुका है। बोले वही देवी, नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशयिष्यामी विंध्याचल निवासिनी। वही देवी जगदम्बा अष्टभुजी का रूप धारण करके जाकर के विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगती है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, भगवान नारायण नंद बाबा के यहाँ पहुंच चुके हैं और भगवान का भी प्रत्यक्ष हम सब दर्शन करेंगे, उनका पूजन करेंगे, बाल रूप भगवान बाल कृष्ण का। और हम सब भी आइए गोकुल को चलते हैं, ब्रजमंडल को, वृंदावन को चलते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान को बधाई देंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, सुंदर मंगल की सुनेंगे। पदार्पण होगा, आप सब प्रेमपूर्वक दर्शन करेंगे, घर के लोग भगवान का पूजन करेंगे, उपहार भेंट करेंगे, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। हम सब आगे चल शरीर